दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। इसको भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रचार में लगाओ। अब आप बोलोगे जी प्रचार कैसे होगा, तरीके मैं बताता हूं। आप छोटी छोटी टीम बनाओ, ग्रुप बनाओ। आप तो थोड़ा होम्योपैथी जानते हो ना, तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत दवाएं हैं जिनको सेलेक्ट करो जिनका बेस आयुर्वेद का है, और खासकर ऐसी बहुत दवाएं हैं जो 100% वेजिटेरियन है, माने फूल पौधे पत्ती से बनी हुई है ना, उनकी एक सूची बनाओ। इन्हीं दवाओं का उपयोग करो, नोजोड्स में जाओ ही मत, जरूरत नहीं है उसकी। मैं होम्योपैथी पढ़ाई करके नहीं, पढ़ पढ़ के सीखा, और मैंने ये तय कर लिया कि जिंदगी में कभी नोजोड्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कितना भी सीरियस पेशेंट आए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैक्सिमम सीरियस पेशेंट्स को मैं बेलाडोना से ठीक कर लेता हूं। एक बार एक होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे पूछा कि राजीव भाई आपकी बेलाडोना इतनी पसंदीदा मेडिसिन क्यों है। मैंने कहा ये सभी क्रोनिक केस क्लियर करती है। कैसे करती है? मैंने कहा ध्यान से देखो तो बहुत सारे पेशेंट में बेलाडोना ही निकलती है। हम ध्यान नहीं देते इसलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जब अकेली बेलाडोना इतने काम कर सकती है तो काय को ऐसी मेडिसिन में जाना जो अपनी चरित्र से, प्रकृति से, स्वभाव से मेल नहीं खाती। भारत में जानते हैं मैक्सिमम लोग शाकाहारी हैं, तो स्वभाव हमारा शाकाहारी पने का है, तो दवाएं भी वही सेलेक्ट कर लो जो शाकाहारी हैं। इन दवाओं की सूची बना लो और इनको लेके गांव-गांव जाओ। रविवार में जब छुट्टी होती है 2-3 घंटे के चिकित्सा शिविर लगाओ। पहले उनको थोड़ा चिकित्सा का ज्ञान दो। हमारे देश में अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि किसी भी भारतीय नागरिक को चिकित्सा सुविधा की जरूरत नहीं है, चिकित्सकीय ज्ञान की जरूरत। हेल्थ फैसिलिटीज नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज की बहुत कमी, और इतनी कमी है कि पढ़े लिखे लोग उससे ज़्यादा पीड़ित हैं। छोटी छोटी बातें नहीं जानते। पानी को उबाल के पीना, ये इतनी छोटी सी बात है लेकिन आज के समय की बीमारियों में सबसे इफेक्टिव है, खासकर 3 महीने की ये जो। तो आप उनको बता दो भैया पानी उबाल के पियो, उबाल के पानी पीने से क्या होता है वो समझा दो उनको, 10 मिनट में समझ में आ जाए। फिर उनसे कहो कि खाना खाते हो तो कुछ ये खाओ ये मत खाओ, क्योंकि दिनचर्या ऋतुचर्या जो आयुर्वेद की है ना वो जरूर सीख लो। दिनचर्या और ऋतुचर्या जरूर सीखो, आयुर्वेद की बहुत आवश्यक है। और आपको मैं एक किताब का नाम बोल के जाता हूँ, इसको पढ़ो। भगवत गीता जैसे पढ़ी जाती है, रामचरितमानस जैसे पढ़ी जाती है, उस किताब का नाम है अष्टांग हृदय। इसका एक दूसरा नाम भी है अष्टांग संग्रह, पुराना नाम अष्टांग हृदय। ये किताब का जो स्वस्थ व्रत है ना, वो ऐसे पढ़ो जैसे आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हो, और उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो तो याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। उसमें 2000 सूत्र हैं, ये सूत्र लोगों को बताना शुरू कर दो। छोटे छोटे सूत्र हैं, जैसे खाना खाने के बाद पानी मत पियो, स्वस्थ रहना है जिंदगी भर तो खाने के 1 घंटे के बाद पानी पियो। क्यों नहीं पिए वो आप सब जानते हो, सरल भाषा में उनको समझा दो। फिर उनको बोलो पानी पियो तो घूंट भर भर के पियो, सिप करके पियो, ताकि ज़्यादा लार शरीर में जाए, वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे। ठंडा पानी कभी मत पियो। मैंने दुनिया में ठंडे पानी पीने वालों को बहुत देखा है, यूरोप और अमेरिका के लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, बर्फ़ का पानी फ्रिज में रख के पीते हैं। परिणाम जानते हैं क्या होता है? सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं तो 1-1 घंटे बाहर ही नहीं आते। सरल भाषा में समझाओ ठंडा पानी पीने से ये होता है, मत पियो, समझ जाएंगे। फिर उनको बोलो सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो। फिर उनसे बोलो खाना खाओ तो बैठ के खाओ, कभी भी खाना खाओ तो पूर्व दिशा में मुँह करके खाओ, सो तो पूर्व दिशा में। ये अष्टांग हृदय में इतने अद्भुत छोटे छोटी बातें हैं, तो संस्कृत में है लेकिन अब तो उसका हिंदी भी आने लगा है, तो हिंदी ले लो, हिंदी वर्जन ले लो। इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, और ये जाके गांव में सबको बताओ। फिर उनको कहो देखो ये तो है स्वस्थ रहने के लिए, अब तुम बीमार पड़ो तो बताओ तुम्हारी बीमारी क्या है,
ये बीमारी है तो ये दवा है, ये बीमारी है तो ये दवा है। और मेरा आपसे एक निवेदन जरूर है कि अगर आप होम्योपैथी से भी इलाज करो तो उसकी मूल दवा जरूर बता दो, उनको ये ग्रीक और रोमन नाम में मत फंसाओ। आप कहोगे जी मैं तो ऑसिमम दे रहा हूँ, ये उनको कहो ये तो तुलसी का रस है भैया, तुम्हारे घर में फूलों से बनी हुई है, आसानी से मिलती है, जयपुर में मिलती है, दिल्ली में मिलती है, भंडारी वालों को अक्सर ऑर्डर दे के रखो, हमको इतनी भेजो, उनको जो पता चल गया कि आप प्रचार के लिए कर रहे हो तो मुफ्त में भी दे देंगे आपको। तो इस तरह से आप गांव गांव जाओ, छोटे छोटे शिविर लगाओ, गांव वालों को इकट्ठा करो। गांव वाले बहुत दुखी हैं, शहर वाले भी दुखी हैं, वैसे तो वो दुखी हैं, इसका यही सबूत है कि रामदेव जी आए जयपुर में सवेरे 4 बजे तो सब लोग पहुंच जाते हैं वहाँ, पैसा भी देते हैं समय भी देते हैं। और 4 बजे रामदेव जी कहें टांग ऊपर उठा लो तो उठा लेते हैं, कहें सिर नीचे कर दो तो कर लेते हैं, ऐसे कर लो तो कर लेते हैं। क्यों? परेशान है, दुखी है, शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, और इतने दुखी हैं कि रामदेव जी तो क्या कोई टिम्बकटू आ जाए उसी के सामने वो आ जाएंगे, और वो दुनिया भर में घूम के आते हैं अपनी अपनी छोटी छोटी बीमारियां लेके। तो इन जो दुखी लोगों का थोड़ा थोड़ा आप मदद कर दो इलाज के रूप में, ये सब आपके भगत हो जाएंगे, और ये भगत हो जाएंगे तो कहो आप भी प्रचार करो इसका, वो भी करें आप भी करो, तो ये इतना तेजी से मल्टीप्लाई करेगा कि 2-5 साल में एलोपैथी का बाजा बज जाएगा। और बजा देना है अपने को, हाँ ये संकल्प लेके चलो कि इनका बाजा हमको बजाना है। मैं बहुत जल्दी एक टीवी चैनल शुरू करने जा रहा हूँ एलोपैथी का बाजा बजाने के लिए, इनकी सब पोल खोलनी है मुझे, हाँ इनकी इतनी पोल है मेरे पास, कम से कम मेरे पास कम से कम 1,500 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो एलोपैथी के गंदेपन को सिद्ध करने वाले, इनकी निकृष्टता को सिद्ध करने वाले, ये कितने अनसाइंटिफिक हैं वो बताने वाले, कितने डॉगमेटिक हैं वो बताने वाले। मेरे पास ऐसे बहुत इंटरव्यूज हैं बड़े बड़े डॉक्टरों के, वो कहते हैं कि हम कोई डायग्नोसिस नहीं करते, तीर मारते, लग गया तो ठीक नहीं तो तुक्का। और वो कहते हैं हम तो एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं, ट्रायल एंड एरर देते जाओ गलतियां करते जाओ, देते जाओ गलती, भले मर जाए पेशेंट उसमें। हमारे पास तो कम से कम ये नहीं है ट्रायल एंड एरर वाला, हम तो जानते हैं कि तुलसी है तो उसके ये गुण हैं तो ये रिजल्ट आना ही चाहिए, मेथी है तो उसके ये गुण हैं तो ये रिजल्ट आना ही चाहिए, हमको सब मालूम है, फिक्स है, यहाँ वेरिएशन नहीं है। मेथी के जो रिजल्ट चरक ऋषि को मिले वो आज भी मिलते हैं, इसमें इतना सातत्य है, वेरिएशन कहीं भी नहीं है। तो जो विज्ञान में सातत्य होता है सत्य ज्ञान वही होता है, तो हमारे पास जो सत्य ज्ञान है इसको लेकर आगे बढ़ें और इसके अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।